बाहरी दिल्ली के भक्तापुर गांव में बैंक ऑफ इंडिया में एक महिला एफडी कराने पहुंची थी। एफडी के नाम पर बैंक में बैठे इंश्योरेंस एजेंट ने कर दिया 5 साल का इंश्योरेंस। 75 वर्षीय महिला का आरोप है कि 2 लाख रुपए दिए थे फिक्स डिपॉजिट के लिए और एफडी कराते वक्त कोई भी इंश्योरेंस की जानकारी नहीं दी। पीड़ित महिला ने दी बैंक में बैठे इंश्योरेंस एजेंटों के खिलाफ पुलिस को शिकायत। जी हाँ, यदि आप किसी बैंक में एफडी फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए जाते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि उस बैंक के अंदर बैंक कर्मचारियों के साथ बैठे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट, जो सीधे साधे भोले भाले लोगों का या एजेंट उठाते हैं फायदा और एफडी की जगह कर देते हैं इंश्योरेंस। शिकायत देने के बाद भी नहीं होती ऐसे एजेंटों के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही। ताजा मामला भक्तापुर के बैंक ऑफ इंडिया से आया है, जहां एक अनपढ़ बुजुर्ग की महिला का आरोप है कि उनके साथ एजेंट ने एफडी करने के नाम पर कर दिया महिला का इंश्योरेंस, जिसके बाद महिला अपने आप को ठगा हुआ कर रही है महसूस। क्या हुआ था आपके साथ? मैं जी बैंक गई थी तो मेरे बच्चे जो है शराबी है, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अकेली चली गई, लखों का पैसे 2 दिन तक मैं यहाँ रखे रही। मका ये बैंक में गई तो क्या हुआ वहाँ? बैंक में मेरे उसने वो गाड़ी में से उतरिया था एक मैनेजर, तो मैं बोली भाई भाई तू मेरी मदद करेगा, मेरे को सांस फूल रहा है। तो बोला नु कहा हाँ क्या करना, मका मैंने एफडी बनवानी है। तो बोला वो मेरा हाथ पकड़ कर अंदर लेके गया और चौकीदार से कह कर गेट खोल के, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, नंबर लिए हुए थे, मैंने कोई नंबर नहीं लिया और वो मेरे को हाथ पकड़ कर ले गया और उसने बोला क्या करना, मका एफडी बना दे 2 लाख की, 1-1 लाख की, 1 साल की नहीं, कभी जरूरत पड़ेगी, हम बुजुर्ग हैं और तो मैं उस पैसे को तुड़वा सकती हूँ और इस्तेमाल कर सकती हूँ। उस टाइम हम ठीक थे, लेकिन बाद में मेरे आदमी को अधरंग मार गया, इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो मैं 10 महीने बाद जब गई तो मेरे को पैसा नहीं, बोले आपका कोई पैसा नहीं है। तो फिर मैंने अपना अकाउंट नंबर दिखाया तो नहीं बोले इसकी एंट्री नहीं करनी है बिल्कुल भी कहीं भी, दोनों आदमी की भी और मेरी भी अकाउंट नंबर ले लिए उनने। मैंने शिकायत सारे का दे दी, हाँ थाने में भी दी है और वहाँ भी दी है, कनाट प्लेस भी दी है, संबंधित भी वहाँ को शिकायत दे चुके हैं। हाँ जी, लेकिन पैसा नहीं मिला अभी। पैसा नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं अपना पैसा चाहती हूँ। अपनी मम्मी जी के साथ मैं, जैसे हमें पता लगा कि भाई ये 1-1 लाख की एफडी की जगह इंश्योरेंस हो गया है, तो इंश्योरेंस की जगह फिर हम उस बैंक में भी गए और बैंक वालों ने हमें एड्रेस दिया कनॉट प्लेस का, तो कनॉट प्लेस में हम शिकायत करने गए, तो कनॉट प्लेस वालों ने फिर हमें एक एप्लीकेशन लिखने में बोला कि आप एप्लीकेशन लिख दो, आपको पैसा वो हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो उसमें क्या, हम गए वहाँ पर कनॉट प्लेस में, तो उनने बोला कि आप एप्लीकेशन लिख के चले जाओ और साइन करके चले जाओ और आपका पैसा रिटर्न आपको मिल जाएगा। पर उसमें हम गए तो माता जी को क्या, मम्मी जी को फिर दूसरे तीसरे दिन मनीषा ने बुला लिया और कोरे कागज पे 3 पेपर पे साइन करवा लिए। बैंक अधिकारी थे या एजेंट थे इंश्योरेंस करने? ये तो हमें पता नहीं, पर ये मनीषा नाम की ये बैंक में थे। हाँ जी, बैंक में आई, काउंटर नंबर 4 पे बैठती है। कानूनी कार्रवाई की आपने? नहीं, मैंने नहीं करी, मम्मी जी ने कर रखी है थाने में। हाँ जी, थाने में भी कर रखी है और अपने बैंक में भी हमने कर रखा है, और कोई जवाब नहीं आया, और मैनेजर से भी हमने बात करी है पर मैनेजर ने भी कोई